मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एनकेएस स्टडी पॉइंट पर। हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके बाद में सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लुरल सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। इसके साथ ही साथ अपन ने सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ा था, उसके पैटर्न के बारे में पढ़ा था। तो आई होप आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, आपको समझ में आया होगा, और मैं आगे आशा करता हूँ कि आगे भी जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में आए अच्छे से। तो अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, जिसको आप पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हो, सकारात्मक वाक्य बोलते हो, वो अपन ने पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हो आप हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो देखिए, आप नेगेटिव सेंटेंस को आप किस प्रकार बनाओगे, उसका ये पूरा ब्यौरा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम, ये होते हैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था। इसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब, देखिए अब सब्जेक्ट आ गया। अफर्मेटिव में क्या था, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा था, वर्ब के साथ ही ऐसे इस लगा हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, हेल्पिंग वर्ब को आप हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हो, और वो कौन सी करोगे, डस नोट का प्रयोग करोगे, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नोट लगा दिया है, और हेल्पिंग वर्ब आपकी डस है, ठीक है, तो डस नोट का प्रयोग करोगे। और प्लुरल सब्जेक्ट जो है आपके आई यू वी दे, इनके साथ में आप हेल्पिंग वर्ब डू नोट का प्रयोग करते हैं। देखिए अगला आपका रूल ये है कि यदि वाक्य में कभी नहीं आए तो डू डज नॉट नहीं लगाते, मतलब डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसकी जगह नेवर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड है नेवर, इसमें अपने आप में नॉट है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और नेवर का मतलब ही नहीं कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डू नॉट डज नॉट की जगह नेवर का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए, जिस प्रकार अफर्मेटिव का आपने पैटर्न सीखा था, उसी प्रकार नेगेटिव का भी ये पैटर्न होगा, और ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था पैटर्न आपको सभी के आने जरूरी होते हैं। तो यहाँ देखिए कि पहले बनेगा आपका सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, और इसके बाद में नोट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के साथ में अदर वर्ड्स एडवर्ब्स वगैरह कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर डू आएगा डज आएगा तो डिपेंड किस पे करता है, मैंने बताया डू और डज डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो डज लगाओगे, सब्जेक्ट आपका प्लुरल होगा तो डू लगाओगे, और इनके साथ में जब नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो नोट लगाओगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, सीता खाना नहीं पकाती है, तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा आपका हिंदी के अंदर तो आपको लिखा हुआ रहेगा बीच में नहीं, तो आप यहाँ पे सीता खाना नहीं पकाती तो करते क्या है, वही आपके स्टेप चलेंगे वैसे की वैसे। पहले आपको क्या पहचानना है, टेंस। अब आपको पता है टेंस के लिए अपन हिंदी वाक्य के अंत में जाते हैं, और अंत में लिखा हुआ ती है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि शब्द आते हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ती है जब आ गया है तो ये आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो चुका है। दूसरी स्टेप आपकी थी सेंटेंस की, तो अब आपको देख पता है यहाँ नहीं आ गया है और पूर्ण विराम भी है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस का फिर आपको पैटर्न पता होना चाहिए, जब पैटर्न की बात करते तो ये आपके सामने लिखा हुआ सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आगे, जब ये चीज आ चुकी है आपके सामने तो आपको हिंदी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानना भी आना चाहिए, और अपन ने सबसे पहले कौन किसने कहा जो भी है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन करना सीखे थे, वहां पर हिंदी सेंटेंस के अंदर इनको पहचानना सीखा था। आगे देखिए, जब ये पहचान लोगे तो आप पैटर्न के हिसाब से इंग्लिश को फॉलो कीजिए। हिंदी वाक्य का पहला क्या निकालना है आपको, सब्जेक्ट। आपको पता सब्जेक्ट क्या है, सीता, तो सीता की इंग्लिश पहले बनेगी अंग्रेजी बनाते हुए, तो ये लिखा आपने सीता। अब सीता के बाद में आएगा या तो डू आएगा या डज आएगा। अब आपको ये लगाने से पहले ये देखिए सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लुरल सब्जेक्ट है। सीता किसी लड़की का नाम है,
तो देखिए नाम कहाँ आता है, ये नेम कहाँ आ गया सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाओगे, डस लगाओगे, देखिए डस ये रहा, तो यहाँ पे लगाया आपने डस। इसके बाद में क्या लगेगा, देखो डू और डस दोनों साथ नहीं लगते हैं, एक ही लगेगा, यहाँ डस लगा चुके हो तो डू नहीं लगेगा। फिर आएगा आपका नोट, फिर आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पकाती है, पकाना क्या होती है कुक, कुक आपकी फर्स्ट फॉर्म है, और यहाँ पे फिर वो ऑब्जेक्ट आपका क्या है खाना, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या पकाती है खाना, और पूर्ण विराम भी दे रहा है फुल स्टॉप। तो ये आपके सेंटेंस बन गए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, घर पे अपने मन से सेंटेंस बना सकते हो पांच छह, वो सेंटेंस बनाने के बाद में आप उनकी इंग्लिश बनाइए, ये पैटर्न है। जिस भी स्टूडेंट को अगर इंग्लिश बनाने में प्रॉब्लम आ रही है किसी सेंटेंस के अंदर, तो वो कमेंट बॉक्स में वो सेंटेंस की पिक डाल दे या व्हाट्सएप पे वो पिक डाल दे कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, आपके मन से सेंटेंस बनाइए आप और उनकी इंग्लिश मेरे को बताइए, ठीक है। आपको अगर नहीं आ रही है तो वो मेरे को भेजिए, मैं आपको बताऊंगा, उसका रिप्लाई करके बताऊंगा कि उसकी इंग्लिश कैसे बनेगी और उसको क्लास के अंदर भी मैं बताऊंगा, ठीक है। दूसरा देखिए, वे मैदान में कभी नहीं खेलते हैं, ये देखिए यहाँ पे कभी नहीं आ चुका है और पीछे ते है लिखा हुआ है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और तीसरा रूल बढ़ गया आपका कभी नहीं आ गया, तो आपको क्या करना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है देख, फिर मैंने कहा डू डज या नोट, ये नहीं लगाएंगे, लेकिन फिर क्या लगाएंगे नेवर, तो ये लगाएंगे आप नेवर। फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके बाद में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है खेलना प्ले, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है मैदान इन द फील्ड, ये आपकी ये इंग्लिश बन गई है नेवर वाले सेंटेंस की। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम के अंदर, एग्जामिनेशन में हाई लेवल पे, तो आपका मैंने बताया प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार पढ़ाया जाता है, और ये पूरी चीजें आ चुकी है, इससे बाहर में भी क्वेश्चन नहीं जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको ये पैटर्न ध्यान रखना है, और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचाना सीख गए हो, हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है वो लगानी है, ये पैटर्न के हिसाब से हिंदी से इंग्लिश बनाती है। अब देखिए आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए अब आगे इससे पहले नेगेटिव सेंटेंस अपन ने पढ़ा, इसके बाद में इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है बहुत ज्यादा। आप एक बार इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का सीख जाइए, उसके बाद में जितनी भी 12 के 12 सेंटेंस टेंस है, सॉरी जो जितनी भी टेंस है 12 आपके, उसके अंदर आपको बार बार ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार यहाँ आप पढ़ लीजिए पूरे कुछ वैसे के वैसे काम करेंगे, केवल पैटर्न चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब और पैटर्न चेंज होगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस तीसरा है अपना सेंटेंस में, तीसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसको आप हिंदी में बोलते हो प्रश्नवाचक वाक्य। आगे देखिए प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा दो प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों दो प्रकार के होते हैं, कैसे देखिए, पहला है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसके अंदर वो स्टार्टिंग ही किससे हो जाए हेल्पिंग वर्ब से। देखिए यहाँ पे अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या है डू या डज है, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश का डू या डज से ही स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला होगा, देख लीजिए हेल्पिंग वर्ब से। अगर ये तो इंग्लिश की बात हुई, हिंदी की बात करें तो हिंदी का सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या से स्टार्ट होता है, जैसे क्या राम स्कूल जाता है, तो जो सेंटेंस हिंदी का अगर क्या से स्टार्ट होता है तो वो उसकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से बनती है। देखिए यहाँ पे और इसका पैटर्न ये है कि पहले आप डू डज लगाओ, क्योंकि अपने को पता है कि मैंने नेगेटिव में आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में लेते हैं डू या डज, तो आप देखिए ऐसे आईएस का काम तो रहा ही नहीं, ऐसे आईएस का तो सिंगुलर सब्जेक्ट में काम आएगा अफर्मेटिव में, इसके अलावा नहीं आएगा, और वहां मैंने लिखा दिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में पूरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्यों का पैटर्न ये होता है कि पहले डू या डज, देखो दोनों हेल्पिंग वर्ब या पहले आएगी, इसके बाद में आपको सब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और आपको ये ध्यान देना है पीछे क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे वो हेल्पिंग वर्ब ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। देखिए ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है,
क्या मोहन एक पत्र लिखता है। तो आप पहले इसको पहचान लीजिए, इंट्रोगेटिव कैसे हुआ, पीछे क्या रहा है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कौन सा हुआ, हेल्पिंग वर्ब वाला हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि हिंदी के वाक्य में कहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, देखिए क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इसका पैटर्न ये है, इसके हिसाब से ये इंग्लिश बनेगी इसकी, ठीक है। यहाँ है पहले डू या डज, तो डू या डज लगाओगे आप, किससे कौन डिपेंड करता है डू डज को लगाने में, सब्जेक्ट के हिसाब से लगता है, आपका सब्जेक्ट है मोहन, मोहन सिंगुलर है या प्लूरल, तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, नेगेटिव में मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा डज लगाते हैं, तो आपने लगाया पहले डज, डज लगा चुके तो डू तो नहीं आएगा, इसका तो हो गया काम खत्म। आगे देखिए सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका मोहन है तो यहाँ पे लिखा मोहन, ये मोहन लिख दिया। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना एक वर्ब है, लिखने को बोलते हो आप राइट, ये फर्स्ट फॉर्म आ चुकी है राइट, ठीक है। इसके बाद में ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ए लेटर, पीछे क्या लगाना आपको, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना क्योंकि वो पहचान है, देखो पहचान में टेंस आ रहा है आपको, पीछे का है लिखा हुआ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्वेश्चन मार्क तो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव हुआ, तो इसका ये इंग्लिश कैसे बनेगी, कब, जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, मतलब कि हिंदी का वाक्य कहां से स्टार्ट हो, क्या से। दूसरा है डब्ल्यूएच वर्ड का क्वेश्चन, मींस ये हो गया कि हिंदी के वाक्य के बीच में, हिंदी के वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, ये रहे नीचे देखिए आप, कौन इसको बोलते हो आप, हु, डब्ल्यूएचओ, हु को कौन बोलते हो, वार को क्या कहते हो, वेयर को कहां कहते हो, विच या हुम को कौन सा कहते हो, व्हेन को कब कहते हो, हाउ को कैसे कहते हो, हाउ मच को कितना कहते हो, हाउ मेनी को कितने कहते हो, व्हाई को क्यों कहते हो। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखें, ये दो शब्द हैं हाउ मच और हाउ मेनी, हाउ मच वहां यूज में लिया जाता है जहां पे लिक्विड फॉर्म हो, किसी भी तरल पदार्थ को अगर आप नापते हो, तोलते हो, मापते हो तो वो उसके साथ हाउ मच लगाते हैं, जैसे दूध, दही, तेल, घी, जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं ये सब के सब उनके साथ में जब भी आप मापने की बात आएगी तो हाउ मच लगाओगे, और ये हाउ मनी लगता है काउंटेबल चीजों के साथ में लगता है, ऐसी थिंग्स जो जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनके साथ में आप हाउ मनी लगाते हैं, जैसे ये पेन है, पेन्स कितने हो सकते हैं उनको काउंट कर सकते हैं तो उनके साथ में हाउ मनी लगाते हैं, ये दो चीजें हैं। अब देखिए इसका मैं आपको एक सेंटेंस बनाता हूं, देखिए ये जितने भी आपके डब्ल्यूएच वर्ड हैं अगर हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं, मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द जो हिंदी में लिखे हुए हैं ना, अगर ये आपके सेंटेंस में हिंदी वाक्य के बीच में आते हैं तो जब इनकी इंग्लिश बनाओगे तो सबसे पहले वाक्य की इंग्लिश बनाते वक्त ये डब्ल्यूएच वर्ड सबसे आगे आते हैं, ये चीज मैंने यहाँ पे लगा रखी, ठीक है। आप देखिए इसमें ये सेंटेंस है, मैं अपना पाठ याद कब करता हूँ, तो देखिए पहले ता हूँ आ गया तो पीछे क्वेश्चन मार्क है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, इसका आपको इंग्लिश बनानी है तो देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, तो आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो पहले क्या आएगा आपका डब्ल्यूएच वर्ड, और व्हेन इसको कब को क्या बोलते हो इंग्लिश में आप, व्हेन, तो ये पहले आ गए, व्हेन आपका डब्ल्यूएच वर्ड है, ये डब्ल्यूएच वर्ड यहां पे आ चुका है। इसके बाद में डू या डज आएगा, डू या डज डिपेंड करता है आपका किस पे, सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट देखिए मैं आपका सिंगुलर है प्लूरल, मैं आपका प्लूरल है, प्लूरल आएगा आ है तो डू लगेगा या डज, इसके साथ लगता है आपका डू, तो ये भी हो गया इंग्लिश एक लग गया। अब क्या आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका मैं है तो क्या लगाओगे, आई लग गया, ठीक है। इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये याद करना पूरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे, तो याद करने को बोलते हो आप लर्न, ठीक है। फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा, अपना पार्ट है देखिए, या तो पार्ट आपका ऑब्जेक्ट लेकिन उसके साथ में क्या आ रहा है अपना, तो आई का अपना क्या होता है, मेक का अपना क्या होता है, मैंने एक टेबल बताई थी आपको जिसमें आई का अपना सेकेंड फॉर्म क्या होगी, माई, और पार्ट को कहते हो आप, सॉरी क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी आपका इंटरोगेटिव बनेगा, तो ये इस प्रकार आप क्या बना सकते हो, इसकी इंग्लिश बना सकते हो हिंदी वाक्य की। तो अब आप देखिए
कि मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के ये बता चुका हूँ, ठीक है, सेंटेंस बनाना दोनों प्रकार के। अब देखिए मैं जो दो दोनों पैटर्न थे, जो पहले भाग का पैटर्न था और जो दूसरे भाग का पैटर्न था, आप देखिए इस पैटर्न के अंदर ये जो आपके सामने पैटर्न लिखा हुआ है ना, अगर मैं डब्ल्यू एच वर्ड को यहाँ पे बंद कर लेता हूँ तो आप देखिए पीछे वाला जो लिखा हुआ है वो पूरा पहले जो हेल्पिंग वर्ब था वर्ब की जो पैटर्न था वैसे का वैसा ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी अपन आगे पैटर्न पढ़ेंगे इसका इंट्रोगेटिव का किसी भी टेंस का, तो अपन एक ही पैटर्न पढ़ेंगे, कौन सा वाला, ये वाला पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए डब्ल्यू एच वर्ड को आप बंद करते हो तो पीछे वाला सेंटेंस वैसे का वैसे बन रहा है आपके हेल्पिंग वर्ब वाला। तो अब जब भी अपन नया टेंस पढ़ेंगे उसमें इंटरोगेटिव की बात करेंगे तो उसमें एक ही पैटर्न लिखेंगे, लेकिन इस एक ही पैटर्न में कितने पैटर्न है, दो पैटर्न है, केवल हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की तो चेंज होगी वहाँ पे, ठीक है। तो अब अपन आगे देखते हैं, इसमें थोड़े से दो रूल और बच्चे हैं इंटरोगेटिव में, वो देखते हैं। अब मैं आपको एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन दोनों रूल से पूछा जाता है। बच्चों को क्या है, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि यहाँ पे कौन ऑब्जेक्ट बन रहा है, कौन सब्जेक्ट कहाँ कैसे बन रहा है, आगे कैसे आ गया, पीछे कैसे जाएगा, और एग्जामिनर क्या ऑप्शन में क्वेश्चन को घुमा के देता है आपको। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए पहला रूल क्या है इधर, यदि वाक्य में कौन सा, इसको बोलते हो आप विच, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मेनी आते हैं, तो अंग्रेजी बनाते समय इनसे संबंधित नाउन साथ में लिखे जाते हैं। कभी भी वाक्य में हिंदी वाक्य जब भी आएगा या इंग्लिश में लिखा हुआ रहेगा तो विच, हाउ मच और हाउ मेनी के साथ में इनके बगल में साइड में इनसे संबंधित नाउन भी लिखा हुआ रहता है। अब वो क्यों आता है, ये इनका खुद का रूल है, ठीक है। देखिए कैसे, तुम कितनी पेंसिल चाहते हो, ये हिंदी का सेंटेंस। आप देखिए कितने के साथ में पेंसिल आ रही है, और मैंने ये लिखा है कि अंग्रेजी बनाते समय इनसे संबंधित नाउन भी साथ में लिखते हैं, नाउन भी साथ में लिखते हैं। मीन्स अगर इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आपको ये पेंसिल भी इसके साथ में लिखनी पड़ेगी। अब इसके साथ में लिखोगे तो पैटर्न तो ये है अपना, इस पैटर्न के हिसाब से लगाओ। पहले आप इसमें देखिए पीछे ते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव है, इसके साथ में देखिए ये आपका कितनी आया है, तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया। तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ पे तुम आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, पेंसिल आपका ऑब्जेक्ट है, चाहना आपका वर्ब है। यहाँ पे पहले क्या बनाना है आपको, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, कितनी, कितनी, अब कितनी देखो या तो हाउ मच होगा या फिर हाउ मेनी होगा। मैंने आपको भी बताया कि अब ये देखो पेंसिल है, कोई लिक्विड थोड़ी है, अगर ये लिक्विड होता, तरल पदार्थ होता तो हाउ मच लगाते हैं, ये तो पेंसिल है आप काउंट कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, तो कौन सा लगाओगे, हाउ मेनी वाला। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, तो पहले डब्ल्यू एच वर्ड में आपने लगा दिया यहाँ पे हाउ मेनी, हाउ मेनी आ गया। लेकिन अपना रूल ये कहता है जब भी हाउ मेनी लगाओगे तो इसके साथ में, जब इसके साथ में एक नाउन है, ये पेंसिल है, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को आप नाउन कहते हो, संज्ञा कहते हो, तो ये पेंसिल आपकी थिंग है, वस्तु है, तो ये इसके साथ में आएगी। अब ये इसके साथ में आएगी तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पेंसिल्स, पेंसिल हैं, एक से ज्यादा है तो पेंसिल्स आएगी, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये हाउ मेनी और पेंसिल्स, देखो पेंसिल्स आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट उठ के किसके साथ में लग गया है, डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट दोबारा से नहीं आएगा इस पैटर्न के साथ, पीछे नहीं आएगा, ये एक ही बार आएगा, ये आगे आ चुका है तो पीछे नहीं आएगा। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आ गया, ऑब्जेक्ट आपने इसके साथ में लगा दिया, इसके पीछे क्या है, डू या डस, डू या डज में से एक लगाओगे, लेकिन ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट आपका देखिए क्या है, तुम आपका प्लूरल है, प्लूरल पे क्या लगाओगे, डू, या क्या, फिर क्या है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू है, फिर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ताने में क्या कहते हो आप, वांट कहते हो, ठीक है, ये आपकी। अब इसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, लेकिन आप ऑब्जेक्ट वापस नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका पहले ही आ चुके हो आप, तो पीछे क्या बचा, क्वेश्चन मार्क।
हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू वांट, इसका ये इंग्लिश बनेगी। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन जब देता है तो वो चेंज करके देता है आपको, ये पेंसिल को पीछे लगाएगा, ठीक है, यू को आगे पहुंचा देगा, क्योंकि बच्चों को स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है या पेंसिल है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द ही सब्जेक्ट का काम करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए जिसके अंदर प्रश्नवाचक शब्द मतलब WH वर्ड ही आपका सब्जेक्ट का काम करे, तब उसको कैसे बनाओगे? तो इंग्लिश बनाते समय उस WH वर्ड के बाद डू डज लगाते हैं और फिर क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से, तुम्हारे नौकर को कौन पीटता है। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि हिंदी का वाक्य है और आप मेरे को ये बताइए कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या होगा, तो आप क्या बताओगे इसमें, आप कौन या किसने से प्रश्न करोगे, कौन या किसने से प्रश्न करोगे, तब आंसर आएगा, तभी तो उसका आंसर बनाओगे कि उसमें सब्जेक्ट है या नहीं है। जब आप कौन या किसने से प्रश्न करते हो, देखिए प्रश्न तो ऐसे ही बनेगा, तुम्हारे नौकर को कौन पीटता है, प्रश्न ही बना, मतलब कौन का प्रश्न कौन से बना, तो ये कौन जो WH वर्ड है ये अपने आप में क्या बन गया यहाँ पे, ये आपका WH वर्ड भी हो गया और ये क्या बन गया आपका सब्जेक्ट भी बन गया, ये दोनों चीजें बन चुका है। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं आपकी, देखिए WH वर्ड आएगा, पैटर्न के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए, WH वर्ड, तो कौन को बोलते हो आप, लेकिन आपको पता है ये हु WH वर्ड के साथ क्या है, सब्जेक्ट भी है। जिस प्रकार यहाँ पे पेंसिल्स ऑब्जेक्ट था तो पहले आ चुका था, तो यहाँ पे ये देखिए हु जो है WH वर्ड भी आ चुका है और सब्जेक्ट भी आ चुका है। अब आप सब्जेक्ट दोबारा से नहीं लगाओगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही यही है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या लगाओगे, डूडल्स, मैंने कहा देखो बाद में डूडल्स लगाना है। अब यहाँ पे ये कि हु को आप डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हारे नौकर को कौन पीटता है, अब कौन पीटने के अंदर एक आदमी पीट सकता है और एक से ज्यादा ही पीट सकता है, तो आप इसमें डू भी लगा सकते हो और डज भी लगा सकते हो, दोनों सही माने जाते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ यहाँ पे डज, दोनों में से एक लगा सकते हो, हु डज, इसके बाद में सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट तो यही तो है, इसको वापस तो नहीं लिखोगे, वापस नहीं लिखना है, हु डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीटना, पीटने को बोलते हो आप बीट, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे तुम्हारा नौकर है, क्योंकि ये यहाँ पे पहले आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सब्जेक्ट बनेगा, नहीं, आप प्रश्न लगाओगे ना तब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कौन पीटता है तो कौन तो सब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे, इसलिए वो बन गया, तो ये तुम्हारा नौकर आपका ऑब्जेक्ट बचा, तो यहाँ पे आएगा तुम्हारे को बोलते हो आप योर और नौकर को बोलते हो सर्वेंट, पीछे दोनों चीजों में फर्क है, यहाँ ऑब्जेक्ट इसके साथ में आया है तो ऑब्जेक्ट को दोबारा से नहीं लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट को WH वर्ड साथ में बनाया तो इसको भी दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये आपका इस प्रकार होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इसका लास्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव समझाने जा रहा हूँ और उसके बाद में हिंदी से इंग्लिश का ये पूरा सब कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है कि हमेशा इंटरोगेटिव नेगेटिव में जो आपने इंटरोगेटिव का पैटर्न पढ़ा है उसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देना है, नोट, क्या लगाना है सब्जेक्ट के बाद, नोट लगाना है। ये सभी कहाँ चलेगा, टेंस चेंज में, जितने 12 टेंस पढ़ेंगे 12 टेंस में प्रत्येक टेंस के अंदर इंटरोगेटिव का पैटर्न पढ़ोगे, उसी इंटरोगेटिव के पैटर्न में आप सब्जेक्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दीजिए, नोट लगा दीजिए, उसी टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए WH वर्ड पैटर्न में डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगाना है। आपका हिंदी का वाक्य ऐसे बनेगा कि इसमें क्या आना चाहिए, एक तो प्रश्नवाचक शब्द भी आना चाहिए, तो देखिए वे तालाब में कैसे नहीं तैरते हैं, तो ये कैसे आपका प्रश्नवाचक शब्द भी है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी दिख रहा है और नहीं भी आना चाहिए क्योंकि इसमें नेगेटिव भी है, देखिए तो ये नहीं भी आ गया है। तो इसका पैटर्न है ये रहा, इसकी इंग्लिश ऐसे बनेगी, पहले आएगा WH वर्ड, कैसे को बोलते हो आप हाउ, फिर डू या डज के बाद में डू या डज लगाना है, तो देखिए सब्जेक्ट कैसे है आपका वे, मतलब दे प्लुरल है तो क्या लगाया आपने डू, फिर सब्जेक्ट आपका है वे तो दे, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया तो नोट लगा दिया, फिर आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब तैरना को स्विम कहते हैं और ऑब्जेक्ट आपका तालाब में मतलब इन द पॉन्ड, ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो अपन ने आज सीखा कि
हिंदी से इंग्लिश के वाक्य मैंने आपको बताया था टेंस स्टार्ट करने से पहले कि चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं और वो चारों प्रकार के सेंटेंस प्रत्येक टेंस में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पूरा पढ़ा दिया है। तो इसमें क्या हुआ है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ा दिया, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिया, नेगेटिव पढ़ा दिया, अफर्मेटिव पढ़ा दिया। तो हिंदी से इंग्लिश बनाने वाले वाक्य अपने सीख लिए हैं। अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, जितनी भी हिंदी से वाक्य लिखिए उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए। पैटर्न आपके सामने है, पूरी डिटेल मैंने लिख दी, इसको पढ़िए एक बार, बार बार पढ़िए, नोट्स बनाइए, कुछ भी कीजिए आप। लेकिन आप हिंदी से इंग्लिश जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश अच्छे से कवर होगी। तो आप अपन कल नए वीडियो में कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।